अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से जो रेल या रोडवेज की बसों से जो लोग आए हैं 1 मई से लेकर कल शाम 6 बजे तक 15,039 प्रवासी मजदूर जनपद में वापस आए हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निजी साधनों से आ रहे हैं या ट्रकों से पैदल तमाम दंश और पीड़ाएं सहते हुए भी आ रहे हैं। उनकी भी हमने जब सूची बनवाई, क्योंकि गांव-गांव में निगरानी समितियां प्रभावशाली रूप से क्रियाशील हैं, वो आते ही तुरंत एसडीएम को एमओआईसी को सूचना दे रहे हैं, थाना अध्यक्षों को सूचना दे रहे हैं, और हमने लेखपालों से भी विगत 3 दिनों में विलेज वाइज सर्वे कराया तो लगभग 14,000 लोग ऐसे भी आए हैं जो सीधे अपने गांव आए। इन संख्या को भी विगत 3 दिनों में मेडिकल ऑफिसर्स के पास भेजकर, या ज्यादा संख्या में गांव में लोग थे तो मेडिकल ऑफिसर को वहां भेजकर, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और अतरौलिया और पीजीआई में मैक्सिमम नंबर आप लोगों को भेजकर लगभग सभी का स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया गया है। और ये मेरे निर्देश हैं कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे 2 बार निगरानी समिति के लोगों से तहसील स्थित एक सेल बात करके ये कंफर्म करेगा कि उनके गांव में आज कोई आया तो नहीं। उधर से सूचना आ रही है, अच्छी बात, नहीं भी आ रही है तो भी इधर से अपनी ओर से भी पूछेंगे, और जो भी आए हैं उनको सूचीबद्ध करेंगे, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराएंगे, और अगर कोई लक्षण प्रतीत होता है तो सैंपलिंग आदि की कार्रवाई होगी।